हाँ जी चलो हाँ जा हेलो वाओ स्मार्ट फर्स्टली कैमरे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू सो द इवेंट इज ऑल अबाउट यू नो मिसेस सो टेल अस समथिंग अबाउट द इवेंट एंड हाउ एक्साइटेड आर यू टू जॉइन द सेकंड The event itself says कि औरतों की जो जगह होती है इस देश में इस समाज में वो उन्हें मिलनी चाहिए बहुत सारे क्षेत्र में वो जगह नहीं मिलती है हम विमेन्स डे भी मना लेते हैं हम बहुत सारी जगह बहुत सारे भाषण और लेक्चर भी दे देते हैं अबाउट विमेन बट सच्चाई ये है कि मैं एक एग्जांपल बताऊंगी कि करवा चौथ पे एक जो लड़की आई थी मुझे मेहंदी लगाने के लिए वो इतनी टैलेंटेड है लेकिन उन्हें वो फैमिली का सपोर्ट नहीं है कि वो अपने पैरों पे खड़े होके कुछ करके दिखा सके यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उन सारी औरतों को वो सपोर्ट दिखाना चाहते हैं एंकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप में टैलेंट है नहीं भी है तो आप एक औरत है आप वो औरत हैं जो घर चलाती है और अपने बच्चे को भी पालती है और बखूबी जो एक आदमी नहीं कर पाता वो आप करके दिखाती है लॉकडाउन में हम सब ने देखा जब हमें अपने घर का काम भी करना पड़ रहा था और खाना भी बनाना पड़ रहा था तब ये पता चला कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है एक हाउसवाइफ ये करके बताती है हमारे देश की जो मिसेज है वो ये करके बताती है सो वी आर हियर टू एंकरेज देम यू आर वेरी टैलेंटेड लोगों को सिर्फ ये लगता है औरतों को सिर्फ ये लगता है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकती मैं खाना बनाती हूँ मैं घर साफ करती हूँ मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है दिस इज़ योर टैलेंट यू नो दिस इज़ योर टैलेंट आप घर चलाती हैं ये हर किसी के बस की बात नहीं है कम आउट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ वी आर हियर टू सपोर्ट यू वी आर हियर टू गिव यू अ पुश दैट यू रियली नीड सो हम उस पुश के लिए यहाँ पर है उन सारी औरतों को एंकरेज करने के लिए आप आइए अपना टैलेंट दिखाइए हम आपके साथ हैं वेल आप जज करने वाली हैं कि कौन से बेसिस पर और क्या कुछ माइंड में रखकर यू नो कंटेस्टेंट्स को जज मैं सच बताऊं मैंने कुछ भी माइंड में नहीं रखा है हर एक इंसान अलग होता है हर एक औरत अलग है हर किसी में एक अलग टैलेंट होगा मैंने ऐसी कोई प्रिपरेशन कोई तैयारी नहीं की है कोई क्या सवाल पूछूंगी मुझे कुछ नहीं पता है बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट आई एम एक्साइटेड जैसे काम्या जी ने बोला कि हम एक औरतों को पुश देना चाहते हैं बिकॉज ऐसे बहुत सारे औरतें होती हैं जिनको इस इंडस्ट्री में कुछ करना है उनको आगे बढ़ना है पर उनको वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बेसिकली पर्सोना मिसेज इंडिया हमने शुरू ही इसलिए किया था ताकि इस पैजेंट के ज़रिए हम उन सब औरतों को वो पुश दे सके वो एक पहला सीढ़ी पहली स्टेप दे सके ताकि वो आगे बढ़ सके और इस इंडस्ट्री में अपनी एक मुकाम हासिल कर सके So Kanya, how supportive you were from your family's side? Because you know, as you said, we take you know, mehndi lagane wale thi, jisko support nahi mila tha. How supportive and how you know, lucky you were from your family's side ki aapko support mila. सबसे पहली बात तो जो खुद के लिए नहीं खड़ा होता उसके लिए फिर कोई खड़ा नहीं होता चाहे वो फैमिली हो चाहे वो दोस्त हो चाहे आउटसाइडर्स हो मैं मुझ में हमेशा ये जज्बा रहा है कि मैं स्टैंड लेती हूँ अपने आप के लिए आवाज़ उठाती हूँ और दूसरों के लिए भी उठाती हूँ ये चीज़ मुझे मेरी मॉम से ही मिली है सो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है एंड आई एम बीइंग वेरी लकी कि 10 साल तक मैं एक सिंगल मदर रही हूँ और अब जाके जब मैंने शादी की है तो मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है सो आई एम बीइंग लकी लेकिन बात यहीं पर यही है कि अगर आप खुद अपने लिए खड़े रहेंगी तो ही आपके लिए लोग खड़े रहेंगे ओके डन सो वील छोड़ेंगे नहीं ना इतनी आसानी से मुझे सुपर्ब आई एम रियली रियली इंजॉइंग इट आते ही ऐसे बहुत सारे काम ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ये नहीं कहूँगी कि मैंने देखी बढ़ा सौंपी भी गई भरोसा भी किया गया मुझ पर तो कांग्रेस ने अभी अभी जन जागरण अभियान शुरू किया है महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी पद यात्रा थी कुछ दिनों पहले
जो जिसका हिस्सा मैं बनी, बहुत मज़ा आया. पहली बार, इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम, ऐसे स्ट्रीट पर था मेरा फर्स्ट टाइम कि सड़क पर आम जनता के साथ, लोगों के साथ उतरना, उनसे बात करना, उनकी तकलीफ़ों को समझना. सो वो मैंने अटेंड किया और वहाँ पर बहुत कुछ सीखा. हमारी कंगना जी तो क्या कारनामे कर रही है ये तो आप लोगों को पता है. उसके खिलाफ़ हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया है, वहाँ पर एक मोर्चा था, उसका हिस्सा मैं बनी. सो आई एम रियली एंजॉयिंग इट. मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाने के लिए कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अच्छा काम करने के लिए हूँ. और वो काम मुझे ऑलरेडी भी सौंपा गया है जो मैं कर रही हूँ. एंड बस मैं देश की सेवा करने के लिए उत्सुक हूँ. Well, you have always been vocal as an actress. Are you going to be that much vocal as a politician? Of course, that's why I took this major step. You know, it's like a complete change of a career. You know, और टेलीविजन ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है. मैंने 15 साल टेलीविजन में काम किया, अभी मेरा शो बंद हुआ है. और really kind to God and all my audience, मुझे एक शो बंद होते ही दूसरे का भी ऑफर आ गया. बट क्योंकि मैं एक नया चैप्टर शुरू करना चाहती थी अपनी लाइफ में, तो मैंने वो शो नहीं लिया और मैं पॉलिटिक्स में आई. बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं जिस तरीके की हूँ, मैं करना चाहती हूँ कुछ. मैं एक्चुअली लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ. मैं एक्चुअली औरतों में वो जज्बा क्रिएट करना चाहती हूँ कि you have to stand up for yourself and you actually can scream in front of the people and say ki main ladki hu aur main lad sakti hu aur ladkar aur jeetkar dikha sakti hu. Main actually ye sari cheeze karna chahti hu, isliye well jab ek actor politics mein ghusta hai to log samajhte hain it's an full stop for an actor. Does it in from your side, will that be a full stop as an actor and it will be only politics? I don't know, I think it's too early to talk about it. Lekin यस, मैं तैयार हूँ. अगर पॉलिटिक्स में मेरा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा और मेरा फुल फोकस चाहिए होगा, जैसे मेरा फोकस है, इसलिए अभी मैं कोई शो नहीं ले रही हूँ. मैं चाहती हूँ कि 6 महीने मैं फुल टाइम दूँ अपना. लेकिन हाँ, आगे जाके कुछ सालों बाद अगर ऐसा होता है कि मुझे पूरा टाइम पॉलिटिक्स को देना हो, तो मैं दूँगी और एक्टिंग को टाटा बाय बाय कर दूँगी. क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम एक्चुअली एक ऐसे देश में रहें जिसके दो साइड है, जिसके दो पहलू है? यू नो, अभी हमने देखा कि हमारे मुसलमान भाइयों को सड़क पे नमाज पढ़ने से कुछ हिंदू लोग रोक रहे थे. उसी जगह पे हमने देखा कि गुरुद्वारे के दरवाजे खुले हो गए उन्हीं मुसलमानों के लिए जो नमाज पढ़ सके. सो दीज आर द टू साइड ऑफ इंडिया, करेक्ट? हम बिल्कुल ये करते हैं. हम नवरात्रों में माता रानी की पूजा करते हैं और उसी देश में इतने रेप भी होते हैं. सो यस, आई एग्री टू दिस. यस, देयर आर टू साइड ऑफ इंडिया. एक साइड एक ऐसा है जिस पर हमें इतना गर्व होता है कि हम उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, और एक ऐसा साइड है जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं कि वो साइड चेंज हो जाए. सो यस, व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? लेट्स नॉट टॉक अबाउट बिग बॉस. यस, मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं बिग बॉस रेगुलरली देखती हूँ और अपने व्यूज़ मैं ट्विटर पे भी लिखती हूँ, तो वहीं से उठा लिया करो यार. उठा तो लेंगे, लेकिन डू यू थिंक यू नो आपने हमेशा तेजस्वी और यू नो करण के रिलेटेड कहा है, डू यू थिंक करण का जो गेम है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी की वजह से अफेक्ट हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हुआ है और तेजस्वी का भी हुआ है. यू नो, दोनों इंडिविजुअली बहुत ही कमाल के प्लेयर्स हैं. दोनों शुरुआत में बहुत अच्छा कर रहे थे. तेजस्वी बहुत एंटरटेन कर रही थी, करण बहुत बढ़िया तरीके से टास्क कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज बना रहे थे. इट वॉज एंटरटेनिंग एंड सुपर्ब. बट ये जो मेल मिलाप हो रहा है, कितना सच है कितना झूठ है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहती. लेकिन यस, उस वजह से दोनों की गेम इफेक्ट हुई है. मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ करण की, तेजस्वी की भी हुई है. एंड आई होप कि देखो, बॉन्डिंग तो हर सीज़न में होती है, लेकिन साथ में गेम को भी ध्यान में रखना चाहिए. सो आई एम होपिंग कि वो गेम भी खेले और एंटरटेन करते रहे. नाउ आई विल सी ऑल इनसाइड. आई डोंट वांट टू What I have to say about Kangana, what remarks she made, especially now again,
फ्रीडम के बारे में और कांग्रेस को भी लेकर उन्होंने बहुत सी टिप्पणियाँ की है. व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन यू आल्सो जॉइन कांग्रेस? आपका क्या रिएक्शन? हां, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है. पद्मश्री इज अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. ये उसके लिए आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं. लेकिन मैं उस अवार्ड की हकदार हूँ या नहीं हूँ, ये अथॉरिटीज़ जो है, जो ये डिसाइड करती हैं, वो उनसे मेरा ये सवाल है और उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बात पे भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन हो कि क्या इज शी वर्दी ऑफ सच ए प्रेस्टिजियस अवार्ड. ये जो उन्हें मिला है, क्या वो उसकी हकदार है भी या नहीं? क्योंकि जो इंसान हमारे देश के लिए एक ऐसी स्टेटमेंट देती है, उसे ऐसे अवार्ड, ऐसा अवार्ड देकर हम क्या एग्जांपल सेट करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारी यूथ एक ऐसे इंसान को फॉलो करे जो ऐसा इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड लेने के बाद हमारे देश के बारे में इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दे और हम कुछ ना करें? आपने कुछ नहीं किया. सो यू नो, ये एक ऐसा सवाल है. नो पार्टी व्हाट, नो मैटर व्हाट पार्टी यू बिलोंग टू, नो मैटर व्हाट पार्टी यू फॉलो और वर्शिप, आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंडियंस. हम सारे देशभक्त हैं, हम एक ही देश के वासी हैं. सो देन व्हाई है तो हम सारे हिंदुस्तानी. तो हिंदुस्तान के खिलाफ इतना बड़ा स्टेटमेंट देने वाला, वो उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? ये मेरा सवाल आप सबसे है. सो आप इसका जवाब दीजिए. एंड थैंक यू. नो बस नो. ओके, नमस्कार. आई एम मिसेस रिया मयूर परड़कर. Recently, I have won from a CBUS community. It's a Dadar, Mrs. Dadar 2021. And how I'm associated with this event is because of Mr. Vinay Deshmukh. And it's been an honor to come here. And I would encourage all the Mrs. categories to enroll and, you know, take this wonderful experience. Thank you. Namaste. Yeah, we have provided the bridal garments. We are Sony Bridals, the brand, and we have provided all the bridal garments you'll see today with the consistency. We deal in customize also. We do customize and we design according to matlab choice and all, according to latest trends and all. Thank you. Yeah. What do you say about the organizer who have given a platform to the women who, you know, who is the homemaker? Okay. Okay. Yeah. Hi, everybody. I'm Palash Datta. I'm an actor and a casting director. Persona Mrs. India. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर housewives, जो होम मेकर्स होते हैं, राइट फ्रॉम 28 ईयर्स टू आई थिंक 45-50 ईयर्स की कुछ लेडीज़ है. क्योंकि परसों मैंने एक इवेंट को ये किया था, मेंटोर किया था, एक्टिंग वर्कशॉप मेंटोर किया था. देर वॉज लेडीज़ जो इतने एंटरप्राइजिंग थे, मतलब भले होम मेकर्स भी थे, बट देर वॉज सच डायनामिक एंड एंटरप्राइजिंग वीमेन दैट आई वॉज माई सेल्फ अमेज कि ये जो लेडीज़ है इतनी उनकी ग्रिट है, इतनी डिटर्मिनेशन है कि भाई जो करना है वो करके ही छोड़ना है. तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा यू नो इंस्पायरिंग था. और इंस्पायरिंग इनके जो स्टोरीज़ है, इनके जो पर्सनल लाइफ की जो जर्नी है, बहुत ही इंस्पायरिंग था. एंड आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल टू परसोना मिसेस इंडिया, करण सिंह प्रिंस, बबीता वर्मा एंड प्रियंका पॉल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर द पास्ट 4-5 ईयर्स टू कंडक्ट एक्टिंग वर्कशॉप्स, टू एक्चुअली गेन नॉलेज. मैं नॉलेज देने से ज़्यादा मुझे नॉलेज गेन हुआ है. Thank you so much. Ma'am, start with the introduction and about, you know, what are the challenges in organizing this event? And when you want to say that it's more larger than life, but it's part. I think it's more larger than life, but it's more larger than life. What are the biggest challenges? But it's not a platform on the, you know, homemakers, women, the people who are not platform for it. हमने ये सीज़न कुछ 3 साल पहले चालू किया था. ये हमारा 4th सीज़न है. हमने इसको बड़ा बनाया है और नाम भी चेंज किया है. पहले हम शीक मिसेज इंडिया करते थे, अब यही सीज़न हमने इसको परसोना मिसेज इंडिया किया है. हम हर साल डिफरेंट सिटी में जाके हर सिटी से 3-3 कंटेस्टेंट्स ले आते हैं. और ये कंटेस्टेंट्स जो भी ऑडिशंस के लिए आते हैं, हम उनमें से 3 सिलेक्ट करके फाइनल्स में ले आते हैं. पहली बार हमारा फाइनल्स जयपुर में हुआ था,
सेकेंड टाइम मुंबई में हुआ था. ऑफकोर्स थर्ड टाइम तो कोविड के वजह से हमने क्वारंटीन क्वींस बनाए थे, और बिकॉज हमने नेम चेंज किया तो हमने सोचा इसको लार्जर देन लाइफ एज अ रीलॉन्च बनाया जाए आफ्टर कोविड. हमने नाम भी चेंज किया और जैसे कि आप सब देख रहे हैं हमने इसको लार्जर देन लाइफ बनाया है. और ये साल के जो हमारे विनर्स हैं आउट ऑफ 30 कंटेस्टेंट्स, हमारे 6 विनर्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल पैजेंट में रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे कि मिसेज यूनिवर्स है, मिसेज वुमेन ऑफ यूनिवर्स है, यूनाइटेड नेशंस है और मिसेज वर्ल्ड है. वो अगले साल हमारे कंट्री को बाकी 80 कंट्रीज के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. और जैसे कि आप सब जानते हैं परसोना मिसेज इंडिया त्रिम्बक राज एंटरटेनमेंट प्रेजेंस है, वो हमारा प्रोडक्शन हाउस है. तो हमारा यही मोटिव है कि हम अपने सारे कंटेस्टेंट्स को वेब सीरीज़ या शॉर्ट मूवी या म्यूज़िक एल्बम में चांस दें. जो औरतें इस फील्ड में कंफर्टेबल नहीं है हम उन्हें ब्रांड प्रमोशंस या ब्रांड इंडोर्समेंट से उनको आगे बढ़ाते हैं. जो फीमेल्स उसमें भी कंफर्टेबल नहीं है हम उन्हें इवेंट्स के द्वारा फेमस करते हैं. बेसिकली हमारा मोटिव है कि हम अपने सारे कंटेस्टेंट्स को विजिबिलिटी दे, एक पहचान दे एक मीडिया में, ताकि वो जो सपने लेके आना चाहती है और जिनके लिए उनको कोई ज़रिया नहीं है वो ज़रिया हमने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बनाया है. थैंक यू. Hi, I'm Parimal Mehta from Blank Canvas Media Private Limited, and this is my team, Reena Mehta, Vaibhav Maurya, and Parul Bindal. We are here with Persona Mrs. India as a part of the National Pageant Groomer as well as the Show Director. आज मुझे बहुत खुशी है कि हम इस लेवल पे आए हैं जहाँ पे इतनी सारी औरतों को हम एक साथ मिसेज इंडिया के पेजेंट पे कम्पीट करने के लिए और साथ में उनको बढ़ावा देने के लिए आज शो डायरेक्ट करने हम यहाँ आए हैं. I am very thankful to Priyanka, Deshiyas, Priyanka and Karan, who have been the part of the organizing committee, and they have been the faces for Persona Mrs. India. So it's very good to have them, and we're very thankful that Blank Canvas Media ko, jaise hum bahut sare pageants aur IPs karte hain, bahut sare national grooming kar rahe hain, so we are also part of this venture. Aur do din bahut maza aaya, bahut sare exciting contestants hai, and we are waiting ke kaun announce hota hai today as Persona Mrs. India. So all excited about it. Sir, your introduction and about the association with the event and about the organizer will organize the event. Hi, my name is Vaibhav Maurya and I am representing Blank Canvas team. Today we have taken care of everything from the show direction to music and graphics, everything. और सारी तैयारियां हो चुकी हैं. Let's see कैसे perform करते हैं contestants and good luck to all the contestants. Let's see. My name is Reena Mehta. I represent Blank Canvas Media Private Limited. We are super excited to watch the ladies walk the ramp because that's what they are here for, and I just hope they rock it. Hi, I'm Parul Bindal, and we all are very excited to see all the ladies on the ramp today because we have been seeing them getting trained, groomed. This is their time to be on the stage now and shine. So let's see how it goes. One important thing I will ask Priyanka in front of media. So Priyanka, how has been the associating with Blank Canvas? That we should know from Priyanka. Okay, when we had initialized the season 4, so we were actually very worried ki show direction kaun karega uska, because we wanted to do this in a very grand scale. Humko ye, as I have told before also, it's like a complete relaunch because we changed the name from Sheet to Persona. So we wanted someone who could give it a big grand view, a big grand scale. And trust me, Blank Canvas has gone more than our expectation. I mean, the thing where we can sit back and relax is just because of Blank Canvas. We know they are there on the stage. The contestants are ready because of them. They are groomed because of them. We are like this. They are the perfect person to give the grand opening for our Persona Mrs. India. Thank you so much, Priyanka. Thank you.
we've been happy that they have been taking care about it and they are believing in us. May the best person win today. All the very best, and let's go and enjoy the show. Thank you. Thanks. Start with your introduction and about your reservation with the event. About the organizer, what do you say? Okay. Hi. First of all, good evening. Myself is Preem Gada, founder of Prisha Creations. Hum log beauty pageants ke liye crowns banate hain. And here I am to associated with the persona, and this is our logo also over here, Prisha Creation. जनरली हमारा मानना ये है जो कंटेस्टेंट्स होते हैं मिस एंड मिसेस, वो इतनी सारी मेहनत करके अगर वो जीतती है तो इट्स अ क्राउन इज़ नॉट अ पीस ऑफ ज्वेलरी फॉर देम, इट्स अ प्राइड फॉर देम. दे लव टू वेयर इट, दे प्रिजर्व इट वेरी वेल एंड दैट. तो उसी वजह से हम एक हाई क्वालिटीज़ क्राउन्स बनाते हैं, और स्पेशली पर्सोना के लिए इस साल हमने बहुत अच्छी डिज़ाइंस बनाई हैं, आपको डेफिनेटली वो स्टेज पे देखने को मिलेंगे. और थैंक यू करण एंड प्रियंका फॉर एसोसिएटिंग विद प्रिया प्रीशा क्रिएशंस. थैंक यू वेरी मच. मैं रुपेश सोनार हूँ, और एसोसिएशन मेरा इनके साथ ऐसा है कि मैं, आप जानते हो कि मैं कास्टिंग में हूँ, टेलीविज़न की कास्टिंग करता हूँ मैं. तो मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ टैलेंट देखने के लिए आया हूँ मैं, और ये चौथा सीज़न है इनका. और इस मंच का एक प्लस पॉइंट ये है कि ये लोग हर जगह से ऑडिशंस कर करके, मतलब गुजरात से, रायपुर से, और बहुत अलग अलग एरिया से फीमेल्स को लाए हैं. तो उसमें देखने आया हूँ मैं कि अगर मैं किसी को कास्ट कर पाऊंगा अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट पे या नहीं. इस तरह का जो नए नए लोगों को मौका देना कितना इम्पोर्टेंट होता है, इस तरह के इवेंट्स होना? ये तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से इवेंट होंगे तो बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है. जैसे हाउसवाइफ है यहाँ पे सारे हैं मोस्टली, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, और इसमें एज बार नहीं है इस इवेंट में. तो यहाँ पर हर एज के लोगों को हमको देखने को मिलता है, इसमें से हम टैलेंट सोर्स आउट कर सकते हैं. तो आप किसी को मौका मिलेगा आज आपके तरफ से? वो तो देखना पड़ेगा, वो देखते हैं. अगर वो लोग अगर अच्छे से परफॉर्म करते हैं और अच्छे से क्वेश्चन आंसर करते हैं, डेफिनेटली उनमें से कोई ना कोई को मैं अपने आने वाले सीरियल्स में मौका दूंगा. मैं बिग बॉस कितना देख रहे हैं? बिग बॉस आप देखें? या बिग बॉस तो देख रहा हूँ मैं. तो बताना चाहिए किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिग बॉस में सभी अच्छे लगते हैं, मुझे प्रतीक अच्छा लगता है ज़्यादातर. okay. प्रतीक सेजपाल. आपको लगता है जीत पाएगा प्रतीक? ऑब्वियस जीत पाएगा, वो मतलब है, टैलेंटेड है, और OTT में भी अच्छा किया था, इस बार भी अच्छा करेगा. और सिम्बा भी अच्छा लग रहा है, सिम्बा भी अच्छा कर ही रहा है. थैंक यू. ठीक है, ठीक है. Hi, my name is Akshay Jain. I am a Bollywood choreographer, and Persona event में मैंने एक अपना एक बार फिर से बोलूँ क्या? Take two. Sorry. फिर से. Hi everyone. My name is Akshay Jain. I am a Bollywood choreographer, and about this event मैंने एक रैम शो क्रिएट किया है with choreography. एंड जो कि आपको अभी कुछ ही देर में लाइव देखने का मौका मिलेगा. हाँ, बहुत अच्छा. एनीथिंग एल्स आप पूछो? मुझे लगता है काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे बहुत अच्छा लगा. सभी लेडीज़ को यू नो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है टू शो देयर यू नो इनर थिंग, जो उनको काबिलियत होती है जो नहीं मिलता है नॉर्मली शादी के बाद, या आप कह सकते हो कि नॉर्मल लाइफ में अचीवमेंट नहीं मिलती है. तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है पर्सोना ने, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड. एंड मुझे भी ये पार्ट करने का मौका मिला, तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू फॉर करण, थैंक यू आंटी, एंड थैंक यू प्रियंका फॉर दी अपॉर्चुनिटी, एंड आई फील ब्लेस्ड. वैसे तो हर बार हमारा शीक जब नाम था, पहला नाम था, तब भी बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने किया था, उसका नाम पर्सोना हुआ, और ये भी बड़े पैमाने पे हो रहा है. दो साल हमारा जो कोरोना के समय था, तो उस समय हम लोगों ने घर से ही किया, इसीलिए आप लोगों की हेल्प नहीं मिल पाई ना, आपके सामने आए. लेकिन हमारा हर बार हुआ है, और बहुत अच्छे बड़े पैमाने से हुआ है, और ये सब आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था.
और करण चूंकि इसी इंडस्ट्री से हैं, आप लोगों के साथ है, इसीलिए उसके साथ सभी लोग आते हैं। और हम लोग मिसेस जो होता है कैटेगरी के, काफ़ी बड़े बड़े शोज़ हुए हैं, लेकिन हम लोग कुछ अलग हटके देते हैं। हर दिन कुछ नया सरप्राइज़ रहता है लेडीज़ों के लिए। वो आती तो हैं बहुत छोटे जगहों से, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत टेंशन रहता है, लेकिन यहाँ आने के बाद जब वो रहती हैं हम लोगों के साथ में, तो उन्हें लगता है अच्छा माँ है, बेटे हैं, बेटी है, सारा परिवार मिल के ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, बहुत अच्छा है, सभी लोग बहुत खुश होती हैं, सेफ़ रहती हैं। और हम लोग नया नया कुछ उनके साथ करवाते हैं, बिल्कुल जैसे और होता है उससे बिल्कुल अलग हटके बहुत हटके, सभी लोगों से आप पता करेंगे हमारा बहुत अलग तरीके से होता है और करते रहेंगे आगे। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। हाय, नमस्कार, मेरा नाम सुशील शर्मा है। करण सिंह जो मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया और कहा कि ऐसा ऐसा एक इवेंट होने वाला है। मैंने कहा मैं कोशिश ज़रूर करूंगा करण, मैं उनकी माताजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था करण को या बबीता जी को। तो मैं आउट ऑफ बॉम्बे था और फिर मैंने सोचा कि नहीं, करण ने बहुत फ़ोन कॉल्स किए मुझे आने के लिए, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, बबीता जी के लिए बहुत ही बड़ा इवेंट है। और मैं देख रहा हूँ कि करण कितना काम कर रहा है, अभी तक लास्ट मोमेंट तक जो तकलीफ़ें होती हैं वो तो होती हैं, उसमें कोई दोष दो राय नहीं है, दैट विल हैपन, लेकिन बिकॉज ही वॉज सो इंसिस्टेंट एंड बिकॉज आई थॉट दैट बिकॉज ही इज़ वर्किंग सो हार्ड I must make it a point to come for Persona India, which is the Mrs. India beauty pageant. I made it a point and I'm very happy that he is doing something like this. Mujhe bahut khushi hai ki Karan apne kandhon par itna bada event karne ja raha hai. I wish him all the very very best. I wish all the participants all the very very best. May the best win. How are you looking forward to this thing? I mean, you're judging the show. Let me tell you one thing very clearly and categorically. This is my very first event where I'm judging something like this. I'm damn nervous. I don't know what kind of questions are asked, but I will ask whatever comes to my mind. I am really looking forward to this because I want to see. First of all, I want to see. I've seen everything on television, yes, as a spectator, but I've never been on an event where I am going to be judging an event like this, and that too Mrs. India. I mean, it is really something that I'm really looking forward to. What will the things which you are going to keep in your mind? I'm not going to disclose anything now. I want to see the participants and I'm going to be absolutely unbiased as far as judging is concerned, which every judge should be, and I shall ask the questions accordingly. If I'm given the chance to ask a question, even one. Sir, last asking, the entertainment business is back on the track. I mean, Surbanshi has big hit. What do you think about the future of the industry as such, as far as an artist? Well, I'm glad that the industry is back on its track, and I'm glad that people are getting work. I'm glad that everybody is happy, and I just hope that it carries on like this. Well, lots more projects are coming up from your side. Would you like to tell us something about, like, what are you working on? Let them come. You can judge for yourself. I don't want to say anything about them. But like, we would like to know that. There is a film that is being released on the 3rd of December, which is a Netflix original film. It's called Cobalt's Blue. Written and directed by a very fine gentleman. His name is Sachin Kundalkar. There is Gitanjali Kulkarni in that, who's playing my wife. There are three other actors. There's Pratik Babbar. There's Purnima from Kerala, very fine actress. So yes, that is one. And then next year, this year is almost coming to an end. Yeah. So next year, I guess, there are a couple of projects in the pipeline. And I only hope that they materialize. How was your experience working with Pratik? Very, very good. He's a very fine person and he's a fine actor too. And yeah, I had absolutely no problem working with him. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.
इवेंट जो ऑर्गेनाइजर है कितना अच्छा है, यू नो मूवमेंट फ्रॉम द मतलब होम मेकर्स, उनको मौका मिल गया है अपने टैलेंट शोकेस करने का, व्हाट यू हैव टू से एंड यू आर द पार्टनर ऑफ दिस इवेंट एज़ वेल, सो व्हाट यू बिल्कुल करण जी से बात जब हुई और उन्होंने मुझसे जब कहा कि ये जो है हम लोग इस तरीके का इवेंट एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कर रहे हैं हम लोग, तो हमने कहा बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि जो गृहिणी होती है घर की वो घर के ही कामों में ही रह जाती है उलझ करके, तो ये एक उनको एक एक जो बाहर निकल करके एक मौका मिलता है लोगों से इंटरेक्ट होने का, बात करने का, ये बहुत अच्छा ये है एक तरीके का कॉन्सेप्ट और आइडिया, और मुझे लगता है इसको आगे बढ़ाना चाहिए और ये काफ़ी अदर स्टेट्स में भी हो रहा है। मेरे पास अभी यूपी से भी आया था कि हम लोग कर रहे हैं और हम आपको एक अपना चैनल पार्टनर बनाना चाहते हैं, रिलीज पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास कई जगह से इस तरह का आ रहा है और इसके अंदर जो घर की एक गृहिणी है वो बहुत बढ़ चढ़ के इसमें मौका भी ले रही हैं, तो ये बहुत अच्छा है, इसको होना चाहिए और ये बेटर रहेगा। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब इट्स अ सिंपली जो प्रोग्राम है जो लाइव होगा यहाँ पर वो उसको हम लोग अपने चैनल पे डालेंगे, जिससे ये उसके पीछे एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कह लीजिए या एक बहुत बड़ा जो एक हमारा जो फोकस था वो ये था कि ये लोग जाने, क्योंकि जो हमारे यहाँ फुटफॉल है या जो आईबॉल्स हैं वो लोग भी इस चीज़ को जाने कि ये प्रोग्राम इस तरीके का होता रहता है हमारे देश में और गृहणियाँ इसमें बढ़ चढ़ करके अपना पार्टिसिपेट करती हैं, तो वो बस हमें एक सिंपली इसको रिलीज़ करना है उसके अंदर। सर लास्टली यू नो अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म का बूम देख रहे हैं, मतलब पैंडेमिक में कितना ज़्यादा राइज हुआ है, तो ये बताइए फ्यूचर में क्या आप देख रहे हैं इसका फ्यूचर ओटीटी का? सर नॉट ओनली ओटीटी, ये डिजिटल जो है ना ये आने वाले टाइम के अंदर क्या अभी बहुत बूम होने वाला है और हर कोई चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र हो और चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो और चाहे एक छोटे से रिटेल आउटलेट हो और चाहे वीओडी हो, वीडियो ऑन डिमांड ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसे आप लोग कहते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है, क्योंकि ये जो दो साल हमारे पैंडेमिक के गुजरे हैं वो इतने ख़राब लोगों के गुजरे हैं सभी लोगों के, कि लोग अब उस डर से कह लीजिए या वो आदत कह लीजिए कि अब लोग घर से बाहर निकलना बंद कर चुके हैं। लोग एक जूता खरीदते थे या कोई कपड़ा खरीदता था, मेरे स्वयं के बच्चे खरीदते थे ऑनलाइन, तो मैं उनको टोकता था कि क्यों ऑनलाइन खरीद रहे हो, अरे जाओ मॉल में जाके लो, लेकिन आज हमारी खुद की आदत पड़ गई है कि हम टीवी पे पिक्चर देखें, कपड़ा जो है वो ऑनलाइन ख़रीदें, इवन घर में जो दूध आ रहा है वो भी ऑनलाइन आ रहा है, तो हर चीज़ अब ऑनलाइन हो गई है, तो डिजिटल अब बढ़ना ही बढ़ना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो वेल, माई नेम इज़ पराग मेहता, आई एम वर्किंग एज अ कास्टिंग डायरेक्टर सिंस लास्ट 10 years, आई डन कपल ऑफ फिल्म एंड वेब सीरीज, स्टिल डूइंग इट। So yes, this whole event is fantastic, and Karan and Priyanka, dear friend, who are the organizer of the whole show, and yeah, but sorry, you were asking me something. So your association means you are a casting director. So after the, you know, after the events get over, after the winners get announced, आप कैसे help out करने वाले हैं? Are you going to cast them in some project? Correct. So that was the idea. So that is the reason they have called me. And Karan and especially Priyanka was saying that there are a lot of good talent we have on this show, and there are a lot of different kind of variety, different women from different spectra of the society and different cities, they have come together, and definitely वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही talented हैं, so let's see, उनको देखते हैं, उनमें से फिर definitely we are doing lot of projects, तो उसमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हम cast करेंगे। थैंक यू गाइस। इवेंट के बारे में और ऑर्गेनाइजर के बारे में कि कैसे आप जुड़ी हैं और क्या करना चाहेंगे इस इवेंट को लेकर? इवेंट के लिए यही बोलना चाहूँगी कि ये जो प्लेटफॉर्म लोगों को मिला है ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और सब कंटेस्टेंट को ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, और क्या बोलूँ, बताओ। आज शो में जज करने वाली हैं। यस। कौन से बेसिस को ध्यान में रखते हैं कंटेस्टेंट्स को? सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ों को ध्यान, क्योंकि ये एक मतलब अलग तरीके का जो भी है ये होने जा रहा है, और ये चीज़ों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे ज्यूरी पर बिठाया है, तो अभी देखते हैं कैसा चलेगा। रिस्पॉन्सिबल फील कर रही हैं? मैं तो बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, एक तो थोड़ा सा
और इतने बड़े शो की मैं हिस्सा बनी हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या कुछ है? या वीडियो एल्बम आने वाला है मेरा सारे गमा को लेकर, बट वो मैं अभी बताऊंगी नहीं। थैंक यू। सर आई थिंक ऐसे शोज जो हैं वो अपने आप में बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके बहुत सारे लाइफ में ड्रीम्स होते हैं, बट वो शायद कहीं ना कहीं अपने गृहस्थ जीवन में बिजी होकर वो चीज़ें शायद वो गिव अप कर देते हैं। आई थिंक ऐसे शोज़ जो हैं उनको फिर से एक बार एक स्पार्क देते हैं कि दे शुड स्टैंड एंड लिव देयर ड्रीम्स वंस अगेन। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये जो इवेंट हो रहा है, और इनके ऑर्गेनाइजर्स दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, और इतने अच्छे इतने बढ़िया इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। और मेरा एसोसिएशन यह है कि मैं आज यहाँ पर होस्ट कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूँ, क्योंकि ये लोग अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, एंड आई होप कि ये शो जो है वो पूरा एक अच्छा सक्सेसफुल पैकेज बने। और प्रोफेशनल फ्रंट में क्या चल रहा है, क्या काम कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं? सर कर ये रहे हैं कि जी कॉमेडी शो ऑफ एयर चला गया, 30 एपिसोड का उसका सीज़न था वो ख़त्म हो गया, एंड अभी म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुए हैं मेरे दो, और वही एक बेकदरा जिसमें मैं और मेरी वाइफ दोनों ने फीचर भी किया, गाया भी है, और एक एक सपना म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ है जो मैंने लिखा है, मेरी वाइफ ने फॉर्चुनेटली गाया, और वो रियलाइज म्यूज़िक के लेबल पे रिलीज़ हुए हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे आपको कभी भी आप जाओगे तो देख सकते हैं। आगे भी म्यूज़िक वीडियो आने वाले हैं, और एक एक जितने भी लोग मुझे चाहने वाले उनके लिए ये न्यूज़ है कि मैं अपने स्टैंड अप के टिकटिंग शोज़ जो है वो शुरू कर रहा हूँ, काफ़ी पहले करने वाले थे लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन ये सब गैदरिंग की परमिशंस नहीं थी। सो दिसंबर तीसरे हफ्ते से पहली सिटी पहला डेट क्या होगा वो मैं कल या परसों तक अपने सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। सो मेरे टिकटिंग स्टैंड अप के शोज़ जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो ये जो है एक नई चीज़ मैं करने वाला हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। फिलहाल यही चल रहा है, बाकी टीवी का जो है वो हमसे पहले आपको पता चल जाता है कि कौन मैं गा के नहीं सुनाऊँगा, लेकिन हाँ मैंने पहले बता दिया आपको, क्योंकि मेरी बीवी बहुत अच्छा गाती है, तो अगर कोई गड़बड़ होगी तो वो मुझे बोले कि क्यों गाया तुमने वहाँ। स्टैंडअप की बात करते हैं तो जी, वीरदास ने भी अभी कुछ परफॉर्मेंस में उन्होंने कुछ अपने देश के चाहे कुछ लोगों को ऐसा लगा खिलाफ बात की है जी, कितना सही है गलत? सर मैंने सुना ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं, और ऑनेस्ट है ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है कि उन्होंने क्या बोला। मैंने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देखे हैं कि कुछ को लग रहा है उन्होंने ठीक बोला है, कुछ को लग रहा है गलत बोला है, और आई थिंक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो हर आदमी जिसने कुछ बोला भी है तो उसके ऊपर रिएक्शन देने का भी सबको अपना अपना राइट है, और मैंने देखा ही नहीं है, तो जब मैं देखूंगा उसके बाद मैं अपना रिएक्शन दे पाऊंगा, मैंने अभी तक देखा ही नहीं है ऑनेस्टली। कंगना की बात करें तो उसको शायद आपने तो हमें इंडिपेंडेंस 2014 में मिला, जो 1947 में मिला था, हाँ वो शायद वीक में था। अच्छा, आपका क्या रिएक्शन? पता नहीं सर, जिन्होंने बोला है उनको डिटेल पता होगा, मेरे को तो इतना डिटेलिंग पता नहीं है, एंड आई थिंक इन अ वे ऐसा उनका अपना अपनी सोच है उनकी कि इंडिपेंडेंस 14 में मिला है या 47 में नहीं मिला था। जिन लोगों ने 47 देखा है, जिन लोगों ने 47 में जिन लोगों ने शहीदियां दी हैं, और जिनकी वजह से हम लोग आज एक एक आज़ाद मुल्क बन के घूम रहे हैं, आई थिंक उनसे उनको बात करनी चाहिए, उनकी फैमिली से बात करनी चाहिए। तो क्या सोच के वही है भाई, माइक बड़े सामने जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है, अभी वो बड़े लोग हैं, उनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, मैं क्या ही बोलूँ, है ना। बट हमने जितना पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, हमने यही पढ़ा है, और उन्होंने अगर उनको कुछ और पता, मैंने क्योंकि उनका बयान भी नहीं सुना है ज़िंदगी में, वक्त ही नहीं है भाई, लोगों के वीडियो देखो, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं, इतना कहाँ टाइम है, है ना। तो आपने कह दिया कि आपके पास वक्त नहीं है, पर बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने आज तक नहीं किया, नहीं किया, लेकिन आप कलर्स के रियलिटी शो के हिस्सा रहे? हाँ बिल्कुल हिस्सा, मैं बिग बॉस जो है मैं सिर्फ चंक्स में फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये सवाल आने वाला है, क्योंकि सबको रिएक्शन चाहिए होता है, तेजस्वी करण पर रिएक्शन दे दो, और सबको रिएक्शन चाहिए होता है, और सबसे कमाल की बात यह है
कि पहले फ़ोन आता है आपको कि सर एक इंटरव्यू करना है आपका जूम कॉल पे लाइव, और वो 20 मिनट का इंटरव्यू करेंगे आपके साथ। मैं बोलता हूँ ठीक है कर लेते हैं, तो मुझे लगता है मेरे बारे में कुछ पूछेंगे, तो बाद में समझ आता है ये तो उनकी पीआर एक्टिविटी थी, वो जो बिग बॉस के घर के अंदर है, हमें तो ऐसे पीआर एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो बट मैं ऑनेस्टली मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैंने कुछ चंक्स देखे हैं, जय अंदर है, जय मेरा बहुत खास दोस्त है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मुझे नहीं पता वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, बट मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने OTT भी फॉलो नहीं किया, बट उसमें भी कुछ लोगों को मैंने पूरा सपोर्ट किया। मुझे लोग बोलते हैं आप देखते नहीं तो कैसे सपोर्ट करते हो, तो मेरा ये मानना है कि अपने दोस्तों को सपोर्ट करना मुझे लगता है करना चाहिए। उसके लिए शो देखना नहीं देखना वो मैटर नहीं करता, राइट? वो शो देख के उनको सपोर्ट करेंगे तो हम उनको जज करें, फिर वो हमारे दोस्त नहीं। तो मैं जय को सपोर्ट करता हूँ, तेजस्वी के साथ मैंने काम किया हुआ है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। जिन जिन लोगों को मतलब मैं जानता हूँ मैं ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करूँगा, जिनको मैं जानता नहीं और मैंने शो देखा नहीं तो मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। सो आई थिंक करण इज़ डूइंग वेरी वेल। अभी राजीव घर के अंदर गया तो ये पता तो चलता रहता है, क्योंकि आप जैसे आप अपना फ़ोन खोलते हो तो भर भर के चीज़ें आ जाती हैं। वेल, तेजस्वी का जो थोड़ा चुलबुलापन है उसको काफ़ी फेक बोला जा रहा है, सिंस आपने काम किया है साथ में, आपको लगता है कि वो फेक हो सकता है? मैंने ये शो देखा नहीं तो इसमें कौन सा दिख रहा है पता नहीं, बट खतरों के खिलाड़ी में तो वो ऐसी ही थी, राइट? एंड कहने वाले लोगों सिर्फ लोगों को कहना है, लोग नहीं कहेंगे तो आपको भी मसाला नहीं मिलेगा। अगर सब लोग अच्छा ही बोलेंगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, फिर तो बंद ही हो जाएगा सब कुछ। तो आई थिंक जिन लोगों को नहीं समझ में आता वो लोग फेक बोल देते हैं, जिनको समझ में आता है वो लोग बोल देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बट जितना मैं जानता हूँ आई थिंक वो ऐसी ही है। एंड और मैंने सुना है वो बहुत अच्छा कर रही, शी इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। सो मेरे हिसाब से देखो, मैं एज एन एक्टर मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलता हूँ, मेरा एक दोस्त है तो वो मेरे को बोलता था भाई यार मैं थोड़ा मेरे को अपना वेट कम करना है। मैंने बोला तेरे को काम मिल रहा है करना तो मैं क्यों कम करना है? सो इफ़ पीपल आर लविंग यू द वे यू आर देन यू डोंट नीड टू चेंज इट। वो असली हो नकली हो फर्क नहीं पड़ता, आपकी ऑडियंस को अच्छा लग रहा है ना तो उस ऑडियंस ने उसको स्टार बनाया उसी चुलबुलेपन से। तो आई थिंक जो चीज़ चल रही है काम कर रही है वो अच्छी ही होती है। डन थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ मतलब शो देखना ऐसे करना। मुझे एक बात जी,